हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 25 अप्रैल 2020 है और सैटरडे भी है, मार्केट भी बंद है। तो आज मेरा एक सब्सक्राइबर, मेरा दोस्त जिनका नाम है शहाबुद्दीन अंसारी, तो उन्होंने कहा कि एक स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बताने का है। एक्चुअली स्टॉक सिलेक्शन का तरीका मैंने डाल रखा है, फिर भी इन्होंने जब पूछा है तो मुझे नई तरीके की वीडियो इसमें डालने के लिए मेरा मन कर रहा है। क्योंकि जब कोई सब्सक्राइबर, मेरा दोस्त जब कुछ मांग रहा है, कुछ देने की बात कर रहा है, तो मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ, न्यू ट्रेडर्स लोगों के लिए है। तो हर वीडियो में तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ, और इन लोगों ने अगर कुछ हमसे जानना चाहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि ऐसा कुछ डालने का। तो देखिए क्या लिखा है कि आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसका फुल वीडियो बना दीजिए। और आप जब 100 SMA के अल्ट्रा ट्रॉफ ट्रेड ले रहे हैं तो आपका SL हिट हो जा रहा है, ऐसा कुछ डाला है। देखिए, पहले जगह ये बात है कि ये एक बिजनेस की तरह है, और SL सभी का हिट होता है। कोई बोल नहीं सकता कि SL नहीं हिट हो सकता, हिट नहीं होता है। SL सभी का हिट होता है, लेकिन उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो है कि अगर आप 10 ट्रेड अगर लेते हैं तो अगर उसमें से 6-7 ट्रेड प्रॉफिट आता है और 3-4 ट्रेड लॉस आता है तो उसका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा बात है कि जो जहां भी स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब आप मान के चलिए आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस डाला है और 3 रुपया का नहीं, 2 रुपया का मान लीजिए, 1:2 का जब रेशियो आप लोग डालते हैं, मतलब 1 रुपया का स्टॉप लॉस और 2 रुपया का टारगेट, तो 10 ट्रेड के हिसाब से अगर 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब 4 रुपया, और 10 में से 6 जब प्रॉफिट आता है, मतलब 6 × 2, मतलब 12 रुपया। तो हिसाब देखिए कि 1:3 आ जाता है। आप लगाते हैं 1:2, लेकिन महीने के अंत में या जितना भी रेशियो आप लगाते हैं उसमें दिखा जाए कि 1:3 आपको प्रॉफिट आता है। मतलब बिजनेस में तो प्रॉफिट और लॉस होता ही है। और मज़े की बात यह है कि जब भी ये स्टॉप लॉस हिट होता है तभी भी मैंने देखा है कि किसी को लॉस नहीं होता। एक्चुअली जब आदमी स्टॉप लॉस को जगह पर रखते हैं और जब आदमी, मतलब ट्रेडर्स, टारगेट को जगह पर रखते हैं कि छोटा टारगेट हो लेकिन टारगेट फुलफिल होना चाहिए। और मेरा जो मकसद है कि न्यू ट्रेडर्स लोगों के लिए प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लॉस की भाग बहुत ही कम होना चाहिए, यही मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि ये 100 DMA का जो बात आपने बोला है सर, तो ये होता है कभी कभी, मतलब ऐसा कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं कि 100 में 100 ही प्रॉफिट में आए। स्टॉप लॉस होता है, और स्टॉप लॉस न्यू ट्रेडर्स लोगों के लिए क्यों होता है ये आप लोगों का शायद पता नहीं, हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोग पूरा देखिए कब कहाँ मेरे मुंह से क्या सीक्रेट निकल जाए ये मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो जो मैं बोल रहा था कि स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हिट क्यों होता है न्यू ट्रेडर्स लोगों के लिए, क्योंकि पहली बात है स्टॉक सिलेक्शन ठीक से नहीं होता है, और दूसरा बात है कि टारगेट पूरा लेने से जी घबरा जाता है, लेकिन लॉस हम पूरा लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि
जब नीचे मतलब मैं बाइंग किया और स्टॉप लॉस नीचे डाला, तो जब नीचे आ रहा है तो मैं सोचा कि स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस तक जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर जाता है मतलब मेरे फेवर में जाता है, तब कुछ ही दूर जाने से मुझे लगता है कि नहीं बाबा इतना प्रॉफिट आ गया तो निकाल लो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो, नहीं तो कम से कम अगर मेरा एंट्री प्राइस से नीचे आ जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए ये जो जगह है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, ये टेंशन की नहीं है, ग्रीडनेस के नहीं है। देखिए लोग जिन लोगों के लिए है वो तो मुश्किल है, और जिन लोगों के पास फियर मतलब डर भी है वो भी बहुत मुश्किल है। मतलब इमोशन फ्री ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस मेकिंग आप कर लेंगे। तो आपने अच्छा एक सवाल किया है, मतलब पूछा अच्छा चीज़ के स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखता है इंट्राडे में। तो चलिए हम देखते हैं कि शॉर्ट में मतलब हम लोग मान के चलिए मैं कुछ नहीं जानता, एक न्यू ट्रेडर हूँ, न्यू एकदम न्यू, मतलब हाल ही मैंने ये ट्रेडिंग ज्वाइन किया है, और हम देखेंगे कि हमको तो पता नहीं कैसे ट्रेड करते हैं, हम कुछ सीखा भी नहीं, ऐसे करके हम ट्रेड कैसे लेंगे वो भी इंट्राडे में, जो कि सबसे क्रिटिकल होता है। तो पहला बात है, ट्रेडिंग करने के लिए एक चीज आप लोगों को जानना, एक नहीं दो दो चार चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, कि पहला बात है कि बाई करना है या मतलब बाई कैसे करते हैं, कहाँ बाई करना है ये बात अलग है, बाई करना कैसे कैसे बाई करते हैं, कैसे शॉर्ट कर मतलब सेल करते हैं और उसके बाद बाई करते हैं, नहीं तो पहले बाई उसके बाद सेल, ये लोग ये जानना जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि ट्रेडिंग का मादर वेबसाइट मतलब मादर सिस्टम कौन सा है, आप लोगों को शायद पता है, जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो शहाबुद्दीन अंसारी और जो और भी मेरे दोस्त हैं उन लोगों को पहले मैं इस एनएसई का वेबसाइट में ले जाते हैं। तो एनएसई वेबसाइट में हम लोग जाते हैं हर रोज जाते हैं, क्योंकि इसमें प्री ओपन सेशन होता है 9 बजकर से 9 से लगभग 9 7 7.5 मिनट तक, मतलब ये 7.5 8 मिनट का जो प्री ओपन सेशन होता है, इस प्री ओपन सेशन में बहुत सारा डेटा दे जाते हैं हम लोग ने मतलब सभी के लिए। तो ये पढ़ने का आइडिया मतलब आँख चाहिए कि इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, ये पहले हम लोग देखना है। तो मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा सुनिए, स्किप मत करिए। देखिए ये जो डेटा है, ये डेटा मतलब 24 तारीख शुक्रवार फ्राइडे का, तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने किया है प्री ओपन मार्केट, और इसमें सिक्योरिटीज एंड एफएनओ में हमने डाला है। तो इसमें देखिए लगभग 17 पॉजिटिव आया है, 123 नेगेटिव आया है, और 4 अनचेंज मतलब चेंज कुछ नहीं हुआ। तो क्या इसमें नेगेटिव ज़्यादा है या पॉजिटिव ज़्यादा है, पहले ये आप लोगों को देखना है। जब देख लिया कि नेगेटिव ज़्यादा है मतलब इस दिन हमको पॉजिटिव में कुछ काम नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड करिएगा और एक्सेल फॉर्मेट में आप लोगों को सेव एस करके सेव कर लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारा डेटा है इस प्री ओपन का, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डिक्लाइन है मतलब नेगेटिव है, ये 123 है, और ये जो एडवांस है ये 17 है, मतलब डिक्लाइन ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है, मतलब
मार्केट पॉजिटिव जा नहीं सकता, हालांकि कभी कभी हो सकता है, फिर भी ना होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैंने तो मुझे तो पता नहीं ना कि इस 9-15 में जब मार्केट ओपन होगा तब ये क्या बिहेव करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला जो प्री ओपन सेशन है, इस प्री ओपन सेशन में मैंने देखा कि मार्केट पॉजिटिव जाना जाना चाहता है, तो इसीलिए मुझे पॉजिटिव में चला जाना है। तो चलिए पॉजिटिव में हम जाते हैं। पॉजिटिव तो आप लोगों को पता है नीचे होता है, सॉरी नेगेटिव, तो नीचे चला गया हम। और देखिए इधर क्या आता है, लास्ट में आया है L&T फाइनेंस जो कि 61.95, मतलब ये छोटा स्टॉक है। उसके बाद है उज्जीवन, उसके बाद है SR ट्रांसपेन, ठीक है। इसका चेंजेस देखिए, उज्जीवन का 9.55, SR ट्रांसपेन का 0.33, 33.60, PEL का 39.05, मतलब हम इस तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहला उज्जीवन को ले लेते हैं। उज्जीवन है, देखिए ये निफ्टी का डेटा है, तो हम उज्जीवन में आ गए हैं। उज्जीवन में, उज्जीवन हमने खोल के रखा, मतलब मान के चलिए कि ये फ्राइडे है और 24 तारीख है हम ट्रेड करने वाले। ये सारा डेटा कुछ नहीं है, लेकिन ये पहला कैंडल हमको देखना पड़ेगा, पहला कैंडल हमको देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ये पहला कैंडल देखिए ग्रीन आया है, तो अभी इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, करूँगा। दूसरा कौन सा आया है, SR ट्रांसफिन, मैं SR ट्रांसफिन को लगा लेता हूँ। देखिए ये पहला कैंडल रेड आया है, ध्यान से देखिए, आप लोग खुद भी टेस्ट कर सकते हैं मेरा जो हिसाब मैं दिखा रहा हूँ। और तीसरा PEL मैंने लगा लिया, देखिए ये भी ग्रीन आया है। तो कौन कौन सा स्टॉक देखा, उज्जीवन में ग्रीन आया है, SR ट्रांसपेन में रेड आया है, और PEL मतलब पिरामल में ग्रीन आया है। तो पहला कंडीशन मिसमैच हो रहा है। पहला कंडीशन क्या, ये पहला कंडीशन है कि इसको रेड होना चाहिए, ये रेड नहीं बना। और ऐसा ट्रांसफिन में शायद रेड हुआ है, हाँ ऐसा ट्रांसफिन में रेड हुआ है, और उज्जीवन में भी ग्रीन हुआ है। तब हम क्या करेंगे, पहले ऐसा ट्रांसफिन में देखिए रेड हुआ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ भाग गया है। यूट्यूब में ऐसा बहुत लोग बोलता है कि अगर ये गैप फिल करना है, गैप फिल करके फिर नीचे आ सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए। मैं ऐसे ही काम करता हूँ कि मुझे ट्रेड कंफर्म होने के बाद ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ मुझे एंटर करना पड़ेगा ट्रेड में। लेकिन ऐसा ट्रांसफिन ऊपर गया है, और देखिए ध्यान से देखिएगा, उज्जीवन में उज्जीवन भी आया है, देखिए उज्जीवन आ गया है। उज्जीवन पहला कैंडल ग्रीन हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहला कैंडल जब ब्रेक करेगा तो आप लोग को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये गैप फिल कर सकता है। गैप फिल क्या है, मान के चलिए कि ऐसा ट्रांसफिन में आप नहीं एंटर किया, पेल में भी आप नहीं एंटर किया, लेकिन आपने उज्जीवन में एंटर कर लिया, तब क्या करेंगे,
इसके ऊपर दे दिया तो बस आपका हो गया ना, पूरा का पूरा स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा। तो इसी टाइम में मैंने देखा है, और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग देखिएगा कि पहला कैंडल बहुत मायने रखता है। अगर ये कैंडल रेड होता है, गैप डाउन ओपन हुआ है, रेड होता है, तो हम इसमें सेल का एंट्री लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मतलब इस दिन हमको ट्रेड नहीं हो रहा है, ये बात समझ लीजिए। पेल में भी ट्रेड नहीं हुआ है और ऐसा ट्रांसफर में भी ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है ना। मतलब किसी में मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा। देखिए पेल में, इसमें तो आप लोग देख ही लिया, ट्रेड नहीं मिला हमको। हमको कंफर्म ट्रेड चाहिए। ये देखिए, ये पहला कैंडल ग्रीन हो गया है, ये गैप फिल कर गया, इसके बाद वो नीचे आने की कोशिश किया, फिर ऊपर चला गया। आप लोगों को किसी को पता नहीं चलेगा कि ऊपर जाता है या नीचे आएगा, कोई कहीं नहीं जानता है। तो हमको कंफर्म कैसे होगा कि, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ देंगे हम? इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर पहला कैंडल का रेंज है 808 से 829, मतलब लगभग 21 रुपीस। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई दे सकता है इंट्राडे में? नहीं दे सकता। तो हमको ये भी नहीं, ट्रेड एंटर नहीं हुआ, और ऐसा ट्रांसफिन में भी एंटर नहीं कर सकते, ऐसा ट्रांसफिन में भी एंटर नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखिए, ये पहला कैंडल रेड हुआ, लेकिन ये गैप फिल करने के लिए ऊपर चला गया। देखिए तीन जो स्टॉक है, एक ऊपर थोड़ा गया और नीचे आ गया, और दो स्टॉक ऊपर चला गया। अगर आप इस दोनों स्टॉक में आप एंटर नहीं हुआ, उज्जीवन में हुआ, तब तो क्या होगा? तब ना लॉस हो गया ना। तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए, ये पहला कैंडल लिख लीजिए आप लोग, ये पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दोनों तरफ वीक होना चाहिए, दोनों तरफ वीक होना चाहिए इस कैंडल में। और इसका नीचे हम जब भी ये क्रॉस करेगा तब हम एंटर लेंगे। जब भी का मतलब है लगभग 1 बजे के अंदर इसको ये लो ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो हम एंटर नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, इंट्राडे कर रहे हैं तो बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो लॉस कोई नहीं ले जाएगा, आपको ही लेना पड़ेगा। तो समझ गए ना? चलिए, आप मेरे पास दो एक डेटा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन मैं 23rd का और 22 का डेटा हम दिखाते हैं। देखिए इसमें पहली बात है कि ये पहला जो प्री ओपन सेशन में आया है वो है आइडिया। ये स्टॉक तो छोटा स्टॉक है, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, लेकिन जील है इसके पास, तो जील में हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जील बड़ा स्टॉक था, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान, मतलब कोरोना के दौरान ये नीचे गिर गया, मतलब सभी स्टॉक नीचे आ गया, तो जील भी आ गया है। तो चलिए हम जील को देख लेते हैं। इस डेट, ये डेट है 24 तारीख, और ये जील जो देख रहा हूँ 23rd का है। तो चलिए हम जील को देख लेते हैं। देखिए जील में क्या हुआ है, पहली कैंडल उधर बोला कि नीचे आया तो रेड होगा, तो मैंने ये पहले कैंडल ग्रीन देखा और इसके ऊपर मैंने पाई लगा दिया। आप होगा क्या स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस क्या होगा? ये जो कैंडल है, इस कैंडल में हालांकि ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं इतना दूंगा नहीं, क्योंकि ये 164 से 148, मतलब 158, मतलब लगभग 8 रुपये का, तो 8 रुपये हम नहीं देंगे, 4 रुपये देंगे। जो भी ये कैंडल है इसका 50% हम देंगे, मतलब
ये 64 और 58 मतलब सी फोर हाँ 160 के आसपास हम 4 रुपया देके हम पूरा देखिए समझ में आ जाएगा लॉस का नाम और निशान मिल जाएगा। देखिए 160 इधर है और मैंने 4 रुपया स्टॉप लॉस लगाया और एटलीस्ट 4 रुपया या 8 रुपया मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका हाई क्या है, इसका हाई है 164, इधर देखिए 164 है और इसका 8 रुपया मतलब 172। तो ये कैंडल कितना दिया, 172 तो गया गया नहीं, 170.8 मतलब 1:1.5 रेशियो आपको मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये जो कैंडल आप जो नीचे आ रहा है मतलब इतना बड़ा जब गिर रहा है कैंडल का तो हमको निकल जाना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस आप उठा ले सकते हैं, नहीं तो काट देना ही बेहतर, मेरे हिसाब से काट देना बेहतर है मेरा जो आप लोग देखते हैं। तो हमको लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है ये बात आप लोग समझिए, क्योंकि ये कन्फर्म ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिलता है। तो क्या हमने सीखा कि जब भी गैप आप ओपन होगा हम बाइंग करेंगे, जब गैप डाउन ओपन होगा हम सेल करेंगे। देखिए लास्ट दिन का देखिए गैप डाउन ओपन होगा, ये हालांकि सिस्टमेटिक नहीं है लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, ये सामने आ गया है, गैप डाउन ओपन हुआ और देखिए कैसे ये नीचे आ गया है, ऊपर जाने की नाम ही नहीं ले रहा। तो मतलब आप लोगों का लॉस नहीं होगा। अच्छा, और उस दिन क्या निफ्टी का कौन सा पोजीशन में था मुझे पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। ये देखिए लास्ट में आया है टाइटन, तो चलिए टाइटन भी देख लेते हैं उस दिन क्या था, आप लोगों को पता है शायद, मुझे पता नहीं मतलब याद नहीं है मुझे। तो हम टाइटन भी देख लेते हैं इस दिन, ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ तो ये ग्रीन हुआ मतलब हमको ट्रेड नहीं मिला इधर, तब ये छोड़ दीजिए। इसके बाद स्ट्री सीमेंट ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, छोड़ दीजिए इस दिन को छोड़ दीजिए। और आप लोग 22 तारीख को देखिए, 22 तारीख में ये नीचे ONGC मतलब 69 का स्टॉक, ये हम नहीं लेंगे, चलिए ऊपर जाते हैं। और रिलायंस, रिलायंस को हम देख लेंगे कि रिलायंस क्या किया है। ये 22 तारीख का स्टॉक है, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है और देखिए ऊपर भागा जा रहा है। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले रहा है, लेकिन मैंने ये स्टॉक में एंटर करूँगा। ये एक तरह से 100 DMA के ऊपर है और ऊपर भी खुला है, तब हमको बाइंग करना चाहिए। लेकिन बाइंग कब करना चाहिए, ये कैंडल जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा सा मतलब ये 1334.50 और ये 1338. मतलब बहुत सा ऊपर चला गया है, हमको तो बाइंग करना ही पड़ेगा, बाइंग करना है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे आ रहा है, अगर आप लोग इसमें 50% भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो कितना, 1300 1334 मतलब लगभग 34 मतलब 17 रुपया। तो मेरे ख्याल से एक बात और भी सुन लीजिए, मेरे ख्याल से इंट्राडे में 4 रुपया से ज़्यादा और बड़ा स्टॉक हो तो 5 रुपया इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस अगर बनता है तो उसमें एंटर ही मत करिए, ये मेरा निजी जो मानना है, मैं मान के चलता हूँ कि 4 से 5 रुपया छोटा स्टॉक हो तो 2 से 3 रुपया और ज़्यादा बड़ा स्टॉक हो तो 4 से 5 रुपये के ज़्यादा हम स्टॉप लॉस देते रहे, मतलब 6 रुपये भी हम स्टॉप लॉस नहीं देते। तो इसमें तो ज़्यादा स्टॉप लॉस आ रहा है, मैं नहीं दूंगा।
अगर छोटा मिलेगा तो हम देंगे, तब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये जो पहला कैंडल है ये तोड़ के कहाँ जा रहा है, ये 1334.50, और ये देखिए इस कैंडल ने तोड़ा है, इस कैंडल ने तोड़ा है, तो इसका देखिए इसका भी ऊपर देखिए इसका भी स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग 10 रुपये, तो मुझे मंजूर नहीं है, तब हम फिर वेट करेंगे, फिर वेट करेंगे और इसको लाइन लगा देते हैं लगभग यहीं पर। देखिए ये फिर से ऊपर गया है, फिर से ऊपर गया है और इसका 7 रुपया का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, और फिर से ये ऊपर ऊपर गया है ये लाल कैंडल, मतलब लगभग 12:20 बज रहा है, तो ये नीचे देखिए 12:20 बज रहा है, तो हमको क्या करना है, इसमें कितना आ रहा है देखिए 133, 333, 337, लगभग 4 रुपया आ रहा है, हम इसमें अब एंटर लेंगे, इसमें एंटर लेंगे और सीधा हमको 1:2, 1:3, 1:2 लेके आप निकल जाओ भाई, बस सीधा बात है, 1 मतलब ये 4 रुपया है, हम 8 रुपया लेके निकल जाएंगे, मतलब 1337 और 8 रुपया मतलब 1345, 1345, तो 1345 देखिए इस कैंडल ने दे दिया आपको, इस कैंडल ने दे दिया मतलब एक दो दो कैंडल में आपको दे दिया, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोला है आप लोगों को शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ कैसे ट्रेड करते हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग प्री ओपन मार्केट का जो डेटा है वो उठा के आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को प्री ओपन डेटा चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा अपना मेल आईडी भेजकर, मैं जरूर नहीं मैं नहीं भेजूँगा क्योंकि मेल आईडी का ज़रूरत है नहीं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं पिछले 1 महीने का डेटा हम डाल देंगे, एक्सेल फॉर्मेट में ही है, तो कमेंट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो हम जरूर डाल देंगे, लेकिन एक दो कमेंट के लिए मैं नहीं डालूँगा क्योंकि ये बहुत दिनों का रिसर्च है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हम इसमें कुछ लिंक वगैरह हम डालते नहीं क्योंकि हम पेड कोर्स कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ मेरा अपना मन चाह रहा है कि मैं जिस हालात से गुजरा हूँ उसी हालात में आप लोग जो लोग न्यू ट्रेडर्स हैं ना पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ यूट्यूब में, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत भी होता नहीं, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करिए, कुछ सीख मिलता है तो लाइक कीजिए, और जो न्यू ट्रेडर्स लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू।